यहाँ पे देखो स्कूल के बच्चे घर जा रहे होंगे, कितने बैठ रहे हो? लॉगिंग चल रही है, लॉगिंग चल रही है। अरे मैं अंकल नहीं हूँ यार, जो भी हो बता बोलो। और बात की जाए बाहर से तो कुछ देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से बिल्कुल खतरनाक वाला जो है पूरा चूने का पत्थर है, पूरा चट्टान है, और नीचे साइड में गुफा देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तराखंड के बागेश्वर धाम से, और मैं संतोष सिंह दोसाद की तरफ से प्यार भरा प्रणाम। सो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों, आगे भी बढ़िया रहना। दोस्तों आप लोगों ने जो है कल तक देखा होगा कि मतलब मैं यहाँ पे सीजू में थोड़ा सा जो है काम कराने के लिए आया था, तो यहाँ पे जो है हुआ नहीं कल, क्योंकि वेल्डिंग वाली दुकान जो है बंद हो गई थी तो नहीं हो पाया था रात को। अभी जो है हम निकलेंगे थोड़ा सा यहाँ पे काम कराने के लिए, हालांकि हमारा थोड़ा सा घूमने का ट्रिप भी बन रहा था और भी भाई लोगों का, मैं अपने साथ में टेंट भी लेके आ रखा था, तो ऐसा कुछ अभी सीन नहीं बन पा रहा है। कल का जो है मेरे पास टाइम है, और परसों जो है मुझे निकलना है केदारनाथ ट्रिप के लिए, और वहाँ पे मेरे साथ में आएंगी मेरी उमादी और भी भाई लोग जो है मुझे मिलेंगे वहाँ पे, जैसे अपने देवभूमि ब्लॉग्स और कर्नाटक वाले भाई अपने, और अपने प्रदीप भाई और मलंग हिंदुस्तानी, काफ़ी लोग जो है मुझे मिलेंगे वहाँ पे, तो सारा कुछ आप लोगों को दिखाएंगे बिल्कुल मस्त करके। और एक इसने पूजा दी का जीना हराम कर रखा है बिल्कुल खतरनाक करके। हाय बोलते सबको पहले, हाय हाथ जोड़ के जय बोलते सबको, जय बोल जय। तो अभी जो है यहाँ से निकलने की तैयारी हो चुकी है, वैसे तो डबल टाप उड़ी नहीं ला रही है, खाली ला रही है। अपने गांव के हो चाहे हमारे पड़ोसी गांव के हो, सभी लोग सपोर्ट करें। इसको देखो, इसको देखो, ये गिरेगा। टेंट को जो है बांध दिया कुछ इस तरह से थोड़ा सा जुगाड़ करके, और अब जो है ये परेशान। ले ले जा पन्नू भाई, चले घर, चले मकोट, चले मकोट पन्नू, मकोट मकोट चले है पक्का। इधर आ। ये गलियां भाई, ये गलियां, ये चौपारा, यहाँ नाना दोबारा। ओ भाई टच होने का बहुत खतरा है यार, देखो ये अब यहाँ से भी आदत हो चुकी है थोड़ा बहुत इन गलियों से निकलने की, और थोड़ा साइड कितने से साइड से क्या होगा यार। अरे तू जा रही हो रही नहीं निकल पाएंगे। हाँ मैं तो अकेले ही हूँ बिल्कुल। मस्त करके ना अभी जो फोन होल्ड करने वाला है उसका मस्त करके जुगाड़ बना दिया है, क्योंकि ना बहुत महंगा आता है एक तो ऐसी, और ऊपर से ना मैंने उसको लिए हुए 2 महीने भी नहीं और गए थे, तो मैंने जो है जुगाड़ करना जरूरी था। बाकी ना भाई यहाँ पे देखो पूरा जंगल आग लग रखा है, और जंगल आग लगने की वजह से ना कल यहाँ पे ये ट्रक देखो क्या हाल हो गया भाई, ट्रक का पूरा जंगल आग, ऊपर से आग आया और पूरा ना देखो आग से पूरा फहा हो गया भयंकर। और इसकी छोटी सी क्लिप अगर मेरे पास हो गई ना जलने की, तो आप लोगों को साइड में दिख रही होगी यहाँ पे, और बाकी देखो पूरा जंगल जो है ऊपर आग लग चुका है। और भाई क्या ही बोल रहे हैं इस चीज़ पे, अब ये बाहर के लोग लगा रहे हैं, अब जो ये आग है ना इसको बाहर के लोग लगा रहे हैं या अपने उत्तराखंड के आमा भूल लोग लगा रहे हैं, क्योंकि कोई लड़के या शिक्षित लोग तो लगाएंगे नहीं, इतनी समझ तो उनको भी है। देखो भाई पूरा जंगल वहाँ से, पूरा जंगल जो है वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जल गया है, और अभी बीच में रोड नहीं होती ना तो नीचे तक पूरा जल जाता है। और ये आग जो है ना यहाँ से लगाया किसी ने पल्ली साइड से या अदर किसी और साइड से आग की है, पूरा आग जलते हुए। और एक और एक दो ना यहाँ पे हर धार में जो है ना पूरे पिरुल के, और यहाँ पे ना हर धार में जो है पिरुल ही पिरुल रहता है, पिरुल यानी कि चीड़ का जो पेड़ होता है ना, चीड़ के पेड़ के पत्ते होते हैं, और चीड़ एक बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील पेड़ है। नीचे को रोड जा रही है ना, ये जा रही है अपने गांव की तरफ को सीधे, और जो ऊपर को जा रही है ये जा रही है गौरी उडियार, जहाँ की वीडियो ना आप लोगों ने सिंपली देखी होगी। यहाँ पे देखो स्कूल के बच्चे घर जा रहे होंगे, कितने बैठ रहे हो? लॉगिंग चल रही है, लॉगिंग चल रही है। अरे मैं अंकल नहीं हूँ यार, जो भी हो दादा बोलो उनको, जो भी हो। ऐसे क्या कर रहे हो? रुको रुको, एक ही जना आएगा इसमें, एक ही जना आएगा। अरे नहीं वो बैठ गया अब, अरे नहीं हो पाएगा इसमें, टेंट है टूट जाएगा, टेंट नहीं टूटता है, टूट जाएगा भाई, थोड़ा आगे आगे बैठना भाई। अरे रहन दो, हेलो नहीं
तरफ आगे। अरे ये टूट जाएगा। आप व्लॉगिंग कर रहे थे। और जय गौरी मैया, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो ये देखो भाई, कुछ इस तरह से यहाँ पे गेट है और नीचे साइड में है पंद्रहपाली गांव, और ये रास्ता है सीधे जाती है वो नीचे। यहाँ से लगभग 200 से 250 मीटर के राउंड होगा नीचे में, और वहाँ पे है गौरी मैया का गुफा, बहुत बड़ी जो कैव है। और उसके बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है एक पहले की वीडियो में दे रखी है, जो मेरी यहीं की डेडिकेटेड वीडियो है, मतलब वो मैंने स्पेशली यहीं के लिए बनाई थी, तो वही जो है वीडियो मैंने बना रखी, आप लोग देख लेना सिंपली। जय हो। और वैसे मैंने यहाँ पे टेंट रखा था, तो इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ना जो है सेफ नहीं है, तो अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा, तो एक और दिक्कत बन गई है भाई। चलते हैं। और यहाँ पे नवीन भाई की सीला और सीजू, और ये दूसरे भाई की है। और वैसे ना रास्ते की बात की जाए तो भाई एक नंबर है, रोड जो है एक नंबर है। हालाँकि लगभग आज से 5-6 महीने पहले जो है रोड की कंडीशन थोड़ी सी ढीली थी, लेकिन अब जो है बिल्कुल एक नंबर हो चुकी है। और यहाँ पर रास्ता भी जो है ठीक ठाक ही है, मतलब वही है खड़ंज जो कि नॉर्मली रहता है पहाड़ों में। और बात की जाए बाहर से तो कुछ देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से बिल्कुल ख़तरनाक वाला जो है पूरा चूने का पत्थर है, पूरा चट्टान है, और नीचे साइड में है गुफा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। हर हर महादेव, जय महाकाल। और कैसे? और मैंने तो वहाँ देखा था जहाँ पे तुमने बाइक रोकी थी, मैंने हॉर्न में हॉर्न दबाया मंदिर से। इस जगह में ना चूने के पानी का रिसाव जो है हमेशा होता रहता है, तो देखो यहाँ पे ये घंटी के ऊपर जो है चूने के पानी का रिसाव हुआ होगा। देखो ये चूने का पत्थर है जो कि पानी में मिलके आया है और यहाँ जम गया है, इसके ऊपर घंटी के ऊपर जम गया है। तो अभी मैंने ऐसे बजाया तो अपने आप ही निकल रहा है, यहाँ से छूट रहा है, और यहाँ पर से देखो पानी की वजह से फूट भी गया है यहाँ पर से। और यहाँ पर देख पा रहे हो ज़मीन पर पानी के हमेशा रिसाव की वजह से ना यहाँ पर जो है बन गए हैं शिवलिंग, और इसी तरह से ना देख पा रहे यहाँ पे पूरा जो है पानी का रिसाव हो रहा है ऊपर से, हमेशा जो है टपकता रहता है, और इसी तरह से टपकता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जिन जगहों पर पानी टपक रहा है इन जगहों पर जो है शिवलिंग जिस तरह से लिंग यहाँ पे उत्पन्न हो रखे हैं ऑटोमेटिक, तो उस तरह से जो है यहाँ पे लिंग दिखने लग जाएंगे। तो भाई बिल्कुल मस्त करके जो है अभी दर्शन हो चुके हैं वहाँ के। अभी जो है बागेश्वर गया गाड़ी वॉश करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है शॉप बंद थी, तो अभी जो है छोना में से मैंने ले लिए है शैम्पू ले लिए हैं, और जो है अब करेंगे सीजू का हम खुद वॉश, और चलते हैं आगे कहीं पे गधेरे में बिल्कुल मस्त करके पानी मिलेगा ना, तो उसी गधेरे में जो है अभी करने वाले ज़्यादा, तो फिर मिल ही जाते। तो चलो चलते हैं अब आगे, किसी गधेरे में अगर पानी नहीं मिलेगा ना तो उसी गधेरे में बिल्कुल मस्त करके धोएंगे सीजू को। वैसे मुझे पता था कि मतलब बागेश्वर से घर तक की लाइन में कहीं भी मुझे पानी नहीं मिलेगा सिवाय इस गधेरे के अलावा, ये है अपने मुक्तेश्वर का गधेरा, और यहाँ पे जो है ना पानी आता है, और ये पानी जो आता है ना मेरे ननिहाल के साइड से आता है, बिल्कुल डनेरे के उस साइड से आता है, और इसी गधेरे के इस साइड में है डनेरा। और अभी जो है यहाँ पे मस्त ताल बना रखा है ताऊ लोगों ने, क्योंकि ताऊ लोग भी ना अपनी गाड़ी यहीं पर धोते हैं। ये देखो भाई आज जो है बिल्कुल खतरनाक करके बारिश का मौसम बन गया है, हालांकि पता नहीं चल रहा है सेम दिख रहा है, लेकिन जो है बादल गरज रहे हैं बिल्कुल खतरनाक करके, जो कि भाई सुकून मिल रहा है, एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा है भाई जो बादल गरज रहे हैं ना,
भाई सुकून मिल रहा है बस। वो भाई यहाँ डामर आ गई, यहाँ डामर आ गई, यहाँ डामर आ गई। नहीं आई है, आधी आई है। Few minutes later. ओ भाई जैसे ही घर पहुंचा ना खतरनाक करके बारिश शुरू हो गई देखो, और हाल कुछ इस तरह का, भाग के आया बिल्कुल, पसीना हो गया खतरनाक करके, और देखो बारिश लग गई भाई, मजा आ गया अब खतरनाक करके। पिछली बार गधेरे की वजह से ये वाला दीवार टूटा था तो ये बना दिया अब गांव वालों ने, और अब देखो इस बार के चौमास में यहाँ की बारी है, क्योंकि ना ये 24/7 चलने में है। बार जो है चौमास के टाइम पे यहाँ पर से रास्ता जाएगा और 100% जाएगा। देखो नीचे से पानी निकल रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या पता कभी बैल वैल जा रहे हो और ऐसे चले जाए नीचे। सो प्लीज़ से अगर देख रहे हैं कोई गांव के ऐसे लोग जिनको कि पता है इसका क्या करना चाहिए और कौन जो है ठीक करता है इसको, सो प्लीज़ से जो है इसका करवा दीजिए। और लोकेशन है किरमोड़े नाला पुल है, जो पूरन सिंह जी के मकान के नीचे पुल, पुल के बगल में ही है यहाँ पर। हैप्पी एनिवर्सरी दशकनियार, मिले मिले क्या खाब सुनो, थैंक यू। तो अभी देखो यहाँ पे खतरनाक करके एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है, एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी चल रही है, और मुझसे बैलम फुलाने में लगी है। बैलम बैलम नहीं, बुगारा बुगारा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी। ये दिन बार बार आए, जाओ। एक फैमिली फोटो। जाओ। ये प्रेजेंट चार्ज खत्म हो गया।